इसको हम गरम करने के लिए रख देते हैं। पूरा बॉईल आना चाहिए, इतना आपको गरम करके लेना है। गाइस रसमलाई के लिए हमने जो दूध 1 लीटर रखा था भैंस का दूध, अब हम इसमें विनेगर डालेंगे 2 चम्मच। 1 लीटर के लिए 2 चम्मच विनेगर ओके है। अब हम इसका छेना बना के ले लेंगे। एक चम्मच डाला हमने, तो हमको थोड़ा सा इसको मिक्स करके लेना है, हिला के लेना है कि दूध फट रहा है कि नहीं देखना है। उसके बाद चेक करने के बाद आपको और 1 चम्मच विनेगर डालना है। तो दूध हमारा बॉईल होने तक आपको वेट करना होगा। दूध बॉईल जब होगा तभी आपको विनेगर डालना है, याद रखिए। अभी देखिए दूध हमारा फट रहा है, तो हम इसको वापस 1 चम्मच और विनेगर डालेंगे और 1 चम्मच। इसको आपको हिलाना है अच्छे से, और जब तक उसका दूध और छीना पानी और छीना बाहर सेपरेट नहीं हो जाता तब तक आपको इसको ऐसे ही चलाते रहना है। आप नींबू से भी छीना बना सकते हैं, लेकिन नींबू से कैसे ज़्यादा नींबू डालना पड़ता है। तो ये देखिए अभी हमारा छीना रेडी हो गया है। भैंस का दूध होने के कारण बहुत ही अच्छा फटा ये, देखिए। अब इसको और 2 मिनट हम लोग ऐसे ही चलाएंगे ताकि जितना भी दूध का छीना है वो निकल के ऐसे बाहर आए। अब हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे। देखिए बंद कर दिया। थोड़ा सा ठंडा होने तक हम लोग वेट करेंगे। जो छीना है वो हम छान लेंगे। अभी मैंने मलपन का कपड़ा ले लिया है और इसमें आपको जो भी छीना है वो पूरा निकाल के लेना है। जैसे पानी पानी हम हमको नहीं लेना है, हम लोग पहले ये डाल के ले लेंगे। हमको इसमें ये पूरा डाल के लेना है। इसका जो पानी है ये आपको ऐसे छान के लेना है, लेकिन ज़्यादा आपको इसको नहीं निचोड़ना है, आपको हल्का सा गीला चाहिए, नहीं तो फिर उसको हम लोग जब मसलते हैं तब वो पूरा ड्राई हो जाता है। तो याद रखिए आपको जो पानी है छीना में से वो थोड़ा सा रखना चाहिए। तो हम थोड़ा थोड़ा ऐसे निचोड़ के लेंगे ऐसे, और बाकी हम लोग उसको टांग के रख देंगे कई ऐसे। अभी 3-4 घंटे आपको ऐसे ही टांग के रखना है ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से निकल जाए। देखिए हमने ऐसे टांग के रखा है ताकि अच्छे से हमारा जो पानी है वो 3-4 घंटे में इस यहाँ से निकल जाए और हमारा अच्छा वाला जो छीना है वो रेडी हो जाए। तो गाइस हमें श्रीखंड और किसके लिए रस मलाई के लिए हमें ड्राई फ्रूट्स कट करने हैं, तो हम लोग पहले ड्राई फ्रूट्स कट करके लेते हैं अच्छे से। गाइस हमने जो पनीर बांध के रखा था यह भी निकाल लिया है। देखिए इतना बड़ा गोला हो गया इसका। अब हम इसको अच्छे से जो है वो ऐसे ऐसे टुकड़े करेंगे इसके, और इसको अच्छे से आपको फेंट के लेना है। ठीक है चलिए हम लोग फेंट के ले लेते हैं इसको। फेंट के मतलब ऐसे घिस के लेना है आपको। देखिए हमें इसको पनीर को पूरा ऐसे खुला खुला करना है और इतना सॉफ्ट आपको बना के लेना है कि हमें उसके छोटे 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 गोले बनाने के लिए आ जाए। अभी तो ये सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा 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 ये घट होने लगा है। तो हम इसको अच्छे से ऐसे दबाएंगे और अच्छे से इसको ऐसे पीस के ले लेंगे ताकि उसका एक अच्छे वाला पनीर का एक सॉफ्ट डो बन जाए और हमें उसकी छोटी 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 गोलियां बना के लेनी है। तो आपको पहले इसको ऐसे तोड़ के लेना है अच्छे से,
उसके बाद आपको इसको फिर जो है वो मल के लेना है, ऐसे हम लोग जैसे आटा गूंथते हैं ना उस टाइप से, ताकि हमारी अच्छे से ऐसे एक नरम वाली गोले गोले हमारे तैयार हो जाए। देखिए जो पनीर है हमारा वो अच्छे से मल चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें एक चम्मच मैदा डाल देंगे। ओके, देखिए एक चम्मच आपको मैदा डालना है और वापस इसको अच्छे से मिक्स करके लेंगे, ताकि हमारा बाइंडिंग आने के लिए उसमें कोई दिक्कत ना हो। अब इसको वापस आपको अच्छे से जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं ना वैसे आपको गूंथ के लेना है, और एकदम पनीर जो है एकदम उसके गोले गोले जैसे मतलब जैसे चपाती का आटे का या गोली के आटे के गोले बनते हैं ना, वैसे हमको गोले गोले बनाने हैं। चलिए अब इसको अच्छे से मिक्स करके लेते हैं, थोड़ा वापस इस पर से गूंथे अच्छे से भूनना है, ताकि जो मैदा है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। गाइस आटा हमारा गूंद के रसगुल्ले में बना रही हूँ अभी ऐसे छोटे छोटे शेप में, तो ऐसे ही आपको जितने भी रसगुल्ले बनाने हैं जितने भी बड़े शेप के छोटे शेप के आप उसके हिसाब से ये जो आटा है वो ले सकते हैं जो हमने अभी बनाया है पनीर का। तो ऐसे ऐसे आपको गोल राउंड शेप करना है ऐसे ऐसे ऐसे, और ऐसे आपको बीच में थोड़ा सा दबाना है, ये शेप अपने आप हो जाएगा। तो ऐसे हमको पूरे रसगुल्ले बना के ले रहे हैं, और मैंने यहाँ पे गैस पे कढ़ाई चढ़ाई है। अब हम इसमें गैस चालू करेंगे और जो पानी है वो बॉईल करने के लिए रख देंगे, ताकि जो हमारा रसगुल्ला है वो अच्छे से उसमें पक जाए पानी बॉईल होने के लिए। पानी हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें एक बाटी शुगर डालेंगे। अभी हमें इसे अच्छे से चलाना है ताकि शुगर जो है वो डिसॉल्व हो जाए। पहले अगर आप शुगर डालते हैं तभी भी चलेगा, लेकिन मैं पानी बॉईल आने के बाद शुगर डाल रही हूँ ताकि जो शुगर है वो अच्छे से इसमें पिघल जाती है बहुत जल्दी। यहाँ पर हमारी छीना बॉल रेडी है, अभी हम चाशनी जैसे ही थोड़ी सी पक जाएगी चीनी इसमें घुल जाएगी तब हमें तुरंत इसमें ये जो छीने की बॉल है ये हमें इसमें डाल। चाशनी के टेस्टी के लिए आपको इसमें एक दो हरी इलायची डालनी है, ऐसे ही फोड़ के डालना है, ये एक और ये दो, ऐसे ही नॉर्मल इसको फोड़ना है और डालना है ताकि इसका जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छा आ जाए। अब देखिए शुगर हमारी पूरी डिजॉल्व हो चुकी है, अब हम इसमें आपको अब हम छीना डाल देंगे एक एक, आपको इसे छोड़ के लेना है। ये देखिए छीना बॉल पक रहे हैं, आपको इसको एटलीस्ट 15 मिनट आपको इसको पकाना है, जो आंच है वो आपको हाई रखनी है। वैसे कि छीना बॉल हमारे रेडी हो चुके हैं, अब हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे और इसको एक एक निकाल के लेते हैं। गाइस छीना बॉल हमारे बॉईल हो चुके हैं, देखिए कितना सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने रबड़ी बनाने के लिए रखा है हम इसमें अभी शुगर डाल के लेते हैं। ये देखिए ये मैंने एक वाटी शुगर लिया है और इसको अच्छे से हमको मिक्स करना है।
जो रबड़ी बनाने के लिए रखा है उसमें हम ये ड्राई फ्रूट जो कटे हैं वो भी हम लोग डाल देंगे इसमें। ये है काजू, ये है पिस्ता और ये है बादाम, ताकि उसके साथ में ही वो बॉयल हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे केसर वाला दूध। अच्छे से इसको मिक्स करते हैं। हमें इलायची पाउडर डालना है 1/2 टेबल स्पून। देखिए दूध हमारा बॉयल हो चुका है, अब हम इसमें इलायची पाउडर डालना है और इसको मिक्स करेंगे। दूध हमको ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, मतलब हमको जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी पतली चाहिए, जैसे हम रबड़ी बनाते हैं ना उस टाइप की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा। तो हमारी गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। देखिए रबड़ी हमारी बहुत ही अच्छी दिख रही है। केसर आपके पास नहीं है तो आप हल्दी भी डाल सकते हैं, केसर से बहुत ही सुंदर कलर आता है, या फिर आपके पास येल्लो लेमन फूड कलर रहेगा तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो ये ठंडा होने तक वेट करेंगे हम लोग और फिर इसको हम लोग सर्व करते हैं। पहले हम लोग रसमलाई सर्व कर लेंगे। पहले तो ये जो छीने के पेड़े हैं ये आपको रख देने हैं एक एक। मैंने रख दिया इस पे पूरे जितने भी पेड़ थे वो, देखिए छीना बॉल्स हमने रख दिया है। अब हम इस पे रबड़ी डालेंगे। इस पे आपको ड्राई फ्रूट सर्व करने हैं। थोड़ी सी आपको सूखे धागे में डालना। गाइस रसमलाई हमारी बन के रेडी हो चुकी है। ये देखिए घर की रसमलाई। अभी हम इसको खाते हैं और आपको बताते हैं।